अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड टी20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। वर्ल्ड टी20 जारी है, राउंड वन के मैचेस हो रहे हैं इस वक्त, और एक तरफ आपको एस्टैब्लिश टीम्स भी एक्शन में नजर आ रही हैं अपने वार्म अप मैचेस खेलते हुए, दूसरी जानब एसोसिएट टीम्स भी तगड़ी टक्कर देती आ रही हैं बांग्लादेश जैसी टीमों को। आज भी हमने स्कॉटिश टीम को अपनी दूसरी कामयाबी हासिल करते हुए देखा, और स्कॉटलैंड ने आज पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त दी 17 रन से। ये दूसरी फतह थी स्कॉटलैंड के लिए, इससे पहले वो बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हुए। आज अलबत्ता बांग्लादेश ने भी अपना खाता खोल लिया और ओमान को शिकस्त दी है 26 रन से एक पॉइंट पर। ऐसा लग रहा कि ओमान अपर हैंड लेने में कामयाब हो जाएगी बांग्लादेश पर, बट फिर बांग्लादेश को एक्ट टुगेदर, दे बोल्ड बेटर। और अगर ओमान की बात की जाए तो ओमान ने भी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो हमने अलमारात यानी कि ओमान में होते हुए देखे हैं, हमने अबू धाबी में मैचेस होते हुए देखे हैं, हमने दुबई में मैचेस होते हुए देखे हैं, लेकिन वो ICC यानी कि ICC अकेडमी में मैचेस हो रहे हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम जहां पर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है, वहां पर अभी तक कोई मैच नहीं हुआ है। बता 23 तारीख को जरूर एक मैच वहां पर होगा। एक्सपर्ट पैनल से आपका तारफ कराते हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक, हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब ने, और हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। जेंटलमैन, गेम तो स्टार्ट हो चुका है, वर्ल्ड टी20 भी स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हम थोड़ा सा मवाजना कर लें एसोसिएट टीम्स का एनजी भाई, तो ये कहना आपकी नज़र में सेफ होगा कि कोई टीम इस फॉर्मेट में, एटलीस्ट टी20 फॉर्मेट में, छोटी बड़ी नहीं होती? आप ये नहीं कह सकते कि ऑन पेपर बड़ी तगड़ी टीम है तो ये हार नहीं सकती, या ये बहुत छोटी टीम है ये जीत नहीं सकती? जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीत सकता है इंजी भाई। ये क्रिकेट में तो ये वाली चीज बिल्कुल पहले दिन से है कि जी जो भी टीम ऑन द डे अच्छा खेलेगी तो वो जाहिर है जीत जाएगी, और टी20 में तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा है। कल बांग्लादेश आयरलैंड से हार गई थी, और अभी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0, 4-1 से अपने मुल्क में हराया था। तो आजकल क्रिकेट में किसी भी टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, स्पेशली टी20 में, और इस वजह से भी कि ये अगर आप बांग्लादेश के प्लेयर भी देख लें या अफगानिस्तान के प्लेयर देख लें, जिनको हम कहते हैं कि जी ये अभी एसोसिएट मेम्बर्स हैं, तो इनके कितने सारे प्लेयर पूरी दुनिया में ना मुख्तलिफ जगह पे लीग्स खेल रहे हैं। तो अब जो सारों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना प्लेयर्स को, जो छोटी मुल्कों के भी जो उनसे प्लेयर्स हैं, टीमें हैं, इनके प्लेयर्स को भी टी20 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और सारे बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है। तो इस टी20 में हम ये नहीं कह सकते कि जी कोई टीम भी हल्की है या किसी को भी ले सकते हैं। सारों को पता है अफगानिस्तान बहुत ख़तरनाक टीम है, अगर बांग्लादेश क्वालिफाई करती है तो बांग्लादेश ही बहुत खतरनाक टीम है। तो आपको सारे को जो मैचेस हैं वो आपको इसी उस पे खेलने पड़ेंगे कि हर मैच है ना आपका क्रूशल होगा। इन कंडीशंस में खेलने के लिए मुशी भाई कितने प्लेयर्स और कौन सी टीम ज़्यादा अकस्टम्ड है, अगर हम इस पर भी डिस्कशन कर लें? इंडियन प्लेयर्स ने यहाँ पर अभी IPL खेला है, IPL में बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, दे हैव अ नो हाउ ऑफ द कंडीशंस, दुबई में भी मैचेस खेलते रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का भी होम अवे फ्रॉम होम रहा है UAE, और हमने वहाँ पर खासे मैचेस खेले हैं, इसका भी एडवांटेज आप पाकिस्तान को और उन प्लेयर्स को देंगे जो IPL में वहाँ पर खेलते आए हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी दानिश, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तीनों वेन्यू की पिचेस का बिहेवियर डिफरेंट है। अबू धाबी की जो पिच है वो बिल्कुल टोटली स्लो है, लो खेलती है, और जो दुबई की पिच है वो क्योंकि वो उसका ग्राउंड पूरा बंद है और उसमें वेंटिलेशन नहीं होती, जब वो पानी लगा के ग्राउंड में रात को चले जाता है और सुबह रोल करता है तो उसमें नमी रहती है, इसलिए वहाँ पर स्पिन भी होता है, ग्रिप भी होता है बॉल तो। और जो आप ओमान की पिचेस देख रहे हैं वहाँ पर आप देखें कि अनइवन, दोपहर को अनइवन होता है और लाइट्स के अंदर जो होता है वो थोड़ा सा स्किड करता है। तो आई थिंक ये बहुत, जो 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, बड़ी टीमें हैं जो, उनके लिए ये बड़ी ही एक कहते हैं कि पहले से उनको खबर हो जानी चाहिए कि कंडीशन कैसी है पिचेस की। इसके ऊपर जो कंडीशन का रोल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने स्ट्रेटजी कौन सी इख्तियार करनी है। आई थिंक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है, एज ए टीम आपको देखना पड़ता है कि हम बैटिंग सेकेंड करके इन कंडीशन के ऊपर जीत सकते हैं या बॉलिंग सेकेंड करके। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप फैसला करें तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो हम बात कर रहे हैं मिनोज की, जो एसोसिएट टीम्स हैं, इनके जितने भी प्लेयर हैं जैसे इंजी ने कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे स्कॉटलैंड, तो सारे लड़के जितने भी वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, उनकी काउंटी क्रिकेट की पिछले 10 सालों में जो विकटें हैं वो बहुत ड्राई हैं और बहुत स्लो हैं, जो इनको बहुत फायदा, देखे ना इंग्लैंड ने भी 188 किया अगले दिन, और वो अब वो एक ऐसी कंडीशन के ऊपर वो यूटिलाइज कर चुके हैं। और दूसरा सबसे जो बड़ा एडवांटेज आएगा जो फॉरनर टीम्स हैं
स्पेशली इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, इनको कंडीशन के साथ साथ फिटनेस का बड़ा एडवांटेज आना है, क्योंकि जो टीम ज़्यादा फिट होगी उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फील्डिंग 20 ओवर करने के बाद जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने जाता है और वो जब डबल सिंगल करता है तो उसके बाद जब गंदे बॉल पर शॉट लगाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर वही छक्के लगने वाला बॉल, चौके पर लगने वाला बॉल आपको विकेट आप गिरा देते हो। ये फिटनेस का भी बड़ा रोल होना है इस टूर्नामेंट में। अब तक ये अपडेट्स भी आप तक पहुँच चुकी होंगी, कल पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मैच खेला वेस्ट इंडीज़ खिलाफ, और वार्म अप मैच में शायद अगर मैं ये कह सकूँ कि हार जीत ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आजमाते हैं, रिदम में आते हैं, अपना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बेंच स्ट्रेंथ भी आजमाते हैं। सिकंदर, मैं इसी तरफ डिस्कशन को लाना चाह रहा था, जो हम कंडीशन की बात कर रहे थे कि अबूधाबी में अलग कंडीशन हैं, ओमान में अलग कंडीशन हैं, दुबई में अलग कंडीशन हैं, क्या आपको सिलेक्शन में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, या आप ये सोच सकते हैं कि जी मैंने सीनियर्स पर रिलाय करना है और हम इन लड़कों को दिमाग में रखकर टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे? देखो, जो पिचेस हैं वो सबको पता है, सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया की टीमें हैं, दुनिया जो है सुकेड़ के जो है एक छोटे से टेलीफोन में आ गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सब लोग मैचेस देखते हैं, सबको पता है कि कौन सी ग्राउंड की कौन सी पिच है। जिस तरह भी मुश्ताक ने मुशी ने जो है उसको डिस्क्राइब किया कि कौन सी विकेट कैसे खेलती है। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये चल रहा है, अगर एशिया कप में मैं वहीं था, मैं बार बार ये बात का इसलिए जिक्र करता हूँ कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाते। जब हम पहला मैच इंडिया से वहाँ हारे हैं तो हमने चार फास्ट बॉलर खेला, मैंने इसलिए नाम निकाले हुए थे, उसमें आमिर था, शिनवारी था, फहीम अशरफ था, हसन था, चार खिलाए थे उन्होंने, चार स्पिनर खिलाए थे, ये फ़र्क था। हमें भी पता था कि गेंद वहाँ पे स्लोअर चलता है, मगर हमने चार फास्ट के आएगा। हाँ, अब इंग्लैंड चले जाएं आप, तो इंग्लैंड के अंदर हमने हफीज़ से बॉलिंग नहीं कराई, जहाँ पे गेंद स्पिन हो रहा था हम कुट खाकर मैच हार गए, जब हफीज़ से कराई उसने तीन आउट कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी टीम मैनेजमेंट, अब तो वो बदल चुकी है, आखिरी वक्त में वो चले गए जो टीम को मैनेज कर रहे थे, अब नए लोग हैं। अब देखना ये कि ये जो सिचुएशन है ना, कि एज पर सिचुएशन वो कैसे खेलते हैं। पहले मैच में मेरे हिसाब से नवाज को खेलना चाहिए था, नवाज रन्स भी करके गए हुए थे यहाँ पे, इनफॉर्म थे, और आपके जो दो स्पिनर्स हैं वो पूरे स्पिनर्स नहीं हैं। आप इमाद को मैं तो नहीं मानता कि वो स्पिन करता है, वो फ्लोटर टाइप का गेंद स्ट्रेटर मारता रहता है, और वो स्लो भी, वो रन जरूर रोकते हैं, बट आपको होगा शायद बीच में, और खासतौर पे तगड़ी टीमों के खिलाफ, खासतौर पे तगड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप नवाज को खिलाएं तो फुल टाइम स्पिनर, और बीच में वो रन भी कर सकता है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत हमेशा पाकिस्तान की वीक नजर आती है कि हम टीम सही नहीं सेलेक्ट कर पाते। बेशक हम आगे चल के इस बारे में डिस्कशन भी करेंगे, खासतौर पर जो वार्म अप मैचेस होते हैं ना इंजी भाई, उसमें क्या जरूरी होता है कि आप 11 लड़के जो आपके दिमाग में है, जो आपने पहले मैच में, फर्ज करें इंडिया के खिलाफ आपका पहला मैच है जो कि एक्चुअली है, अगर इंडिया के खिलाफ आपने ये 11 लड़के खिलाने, तो वार्म अप मैच में आप सिर्फ उन्हीं 11 लड़कों को खिलाते हैं, या फिर आप कोशिश करते हैं कि जी आप दो ओवर नवाज से भी करा लें, एटलीस्ट टेस्ट टू वाटर्स कि आपके पास बेंच में स्ट्रेंथ क्या है, एटलीस्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ जी इफ नॉट इमाद हम नवाज को भी खिला सकते हैं। जी दानिश, कर सकते हैं इस तरह, आप दूसरी टीम से बात करके ना, लास्ट टाइम हम जैसे हम किसी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और उनके प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे होते हैं, तो हम 12 साइड मैच खेल लेते हैं, या हम ये कहते हैं कि जी आपके सारे बैट्समैन बैटिंग कर लें, बॉलर्स बॉलिंग कर लें, ये आप कर सकते हैं दूसरी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग करके। लेकिन ये कि फिर भी आप अपना एक कम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, क्योंकि जी जिसके साथ अगर आप पे ना कोई टफ कंडीशन भी आए ना, तो आप कोशिश करते हैं कि जी फिर इसको मैं किस तरह मैनेज करूँगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई इस तरह की जरूरत महसूस हो रही है कि जी हमें नवाज का नहीं पता, या हमें मात का नहीं पता, या हमें किसी कम्बिनेशन का नहीं पता। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान जो पिछला मैच खेला है बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ खेला है। हाँ, टीम ये ठीक है, बाकी 14 प्लेयर है सारे ही अच्छे हैं। अब ये कह लेंगे जी अगर आप नवाज को भी खिला दें वो भी अच्छा है, लेकिन आप पिछले 2-3 साल से इस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं कि इमाद से आप नया बॉल कराते हैं और वो मेरे ख्याल में नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करता है। हाँ, जिस चीज़ की थोड़ी सी हमें कम्बिनेशन की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ की, इस चीज़ की मुझे ज़रूर फिक्र है कि जो सिलेक्शन में आखिरी वक्त पे ना इन्होंने चेंजिंग की है, मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ। जिस तरह आज हम कम्बिनेशन की बात बैठ के कर रहे हैं कि जी हमें कम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए था, या कम्बिनेशन का काम है ना हमें 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था। अगर आज कोई ये बैठ के कहेगा कि जी नवाज को हमें चेक कर लेना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में हम लेट हो जाएंगे इस चीज पे। पर इंजी भाई, वी डिड दैट, मलिक आखिरी वक्त पे आया है, जी जी। या दूसरे लड़के फखर इमाम आखिरी वक्त पे आया है, जी जी। और या दूसरे प्लेयर्स बिल्कुल आखिरी वक्त में आए हैं,
तो अब मलिक आखिरी वक्त पे आया, इन प्लेयर्स को हमारे पास पहले से होना चाहिए था ताकि सारे प्लेयर्स के रोल्स क्लियर होते कि जी वो किसने किस रोल में खेलना है और सारे लड़कों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बड़े जिस टाइम आप किसी इवेंट में इंटर होते हैं, जो सारों से की चीज़ होती है, जो मेजर फैक्टर होता है, वो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस होता है कि जी आप किस कॉन्फिडेंस के साथ इंटर हो रहे हैं, कि जी आपको पता है कि जी आप बिल्कुल क्लियर है कि जी हमने खेलना है, इस कम्बिनेशन के साथ खेलना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो लेकिन ये कि फिर भी ये लड़के हैं ना, काफ़ी हमारे एक्सपीरियंस है, और लेकिन जो ये प्रैक्टिस मैच था, जो इनका कम्बिनेशन था, क्योंकि जिस तरह हमारे पहले 6 बैट्समैन थे और फिर 5 बॉलर्स थे, ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ये बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरह नवाज है या सरफराज है या हैदर अली है हमारे पास, तो हमारी टीम की बैलेंस ज़रूर है, बड़ा अच्छा बैलेंस है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अभी कह रहे थे कि जी कोई कम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाया था, ये पास टाइम आप कुछ चीज़ें करते हैं बेहतर हो जाती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जी हमारी जो सी टीम है इसको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, इस टाइम बैलेंस टीम है हमारी। आप नवाज को ट्राई करने की बात कर रहे थे जी भाई, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने उसको मौका दिया था, ही परफॉर्म बेटर एज वेल, विकेट भी ली थी नवाज ने और रन भी स्कोर किए थे, इनफैक्ट एक मैच में तो विद द बैट मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी थी। वेरी लकी कि मुश्ताक अहमद हमारे साथ हैं, तो हम उनकी रहनुमाई जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इन पिचेस पर, इन कंडीशंस में किस मिजाज का बॉलर हमें चाहिए और उस बॉलर के लिए क्या ज़रूरत होगी कि वो रन बचाए या विकेट लेकर दे हमें, खासतौर पर बीच के स्टेजेस में, स्पेशली जब हम एक तगड़ी इंडिया जैसी टीम के खिलाफ मैदान में उतरते हैं। मुशी भाई, हम आएंगे इस बात पर, ज़रा पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, जितने भी स्क्वाड में शामिल हैं, उनकी प्रोफाइल देख लेते हैं, किस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले हैं, कितनी विकेटें हैं, अगर बैट्समैन है तो कितने रन बनाए हैं। मुशी भाई, डायरेक्ट आपकी तरफ आते हैं, हम ज़रा स्पिनर्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक लेगेसी रही है कि मिड स्टेजेस में ऊपर से हमारे पेसर्स हमें विकेट दिलाते थे और मिड स्टेजेस में हमारे स्पिनर्स वॉक थ्रू कर जाते थे टीमों पर। आपको लगता है कि इस वक्त जो दो स्पिनर्स पे हम बैंक कर रहे हैं, शादाब खान, इमाद वसीम, उनके बीच में इतनी विकेटें हैं कि हम मिड स्टेजेस पर हावी हो सकें, स्पेशली अगर हम इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जहाँ पर ओपनर्स को अगर आप निपटा भी देते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर बड़ी स्ट्रेंथ है, यू नीड समवन, यू नीड बॉलर्स जो कि विकेट्स ले सकें आपके लिए उस वक्त। जी दानिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना वहाँ स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास जो नवाज़ की शक्ल में और अमाद की शक्ल में है, ये दोनों टोटली डिफरेंट बॉलर हैं। अगर अबू धाबी की विकेट है तो मैं शायद अमाद वसीम से चांस लूँ, क्योंकि वहाँ पे पिच पे बॉल स्लो और लो रहता है, वहाँ पर बॉल बल्ले पर आसानी से नहीं आता और अमाद जो है उसका इन स्विंग होता है मोस्टली बॉल, और वो उसका गेंद अंदर की तरफ आता है और वो बैट्समैन को मुश्किल हो जाती है कंडीशन को सामने रखते हुए अगर बात की जाए। अगर दुबई की पिच को सामने रखा जाए तो नवाज कैन बी मोर इफेक्टिव बिकॉज उसका गेंद स्पिन होता है और वो प्रॉपर स्पिनर की तरह बॉल करता है। तो आई थिंक ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस आपको देखना पड़ता है। ये और बीच में शदाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप में, बीइंग अ लेग स्पिनर और बीइंग यू नो लाइक जो उसने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग की थी, वो अगर इस टूर्नामेंट में शदाब ने अगर बॉलिंग अच्छी की, 6 ओवरों के बाद अगर शदाब के 4 ओवर हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, अगर उसका रोल क्लियर कर दिया जाए कि अगर वो 30-35 रन देता भी है सो बी इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसको माइंडसेट उसका क्लियर कर देना चाहिए कि ही शुड बी विकेट टेकर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके रोल को क्लियर कर दिया जाए कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो जो मर्जी बड़ी टीम हो, जब 6 ओवरों के बाद जब बैट्समैन सेट होकर चांस लेता है तो लेग स्पिनर के पास बहुत चांस होता है विकेट लेने का। तो आई थिंक ये हमारे तीनों स्पिनरों को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, और जो हफीज है और शुएब मलिक है, आई डोंट नो ये दोनों खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, दोनों में से एक खेलेगा, सो वी डोंट नो, बट कम्बिनेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम 3-4 स्पिनर्स के साथ बीच में बहुत अच्छी गेम चला सकते हैं टैक्टिकल, अगर हम स्मार्ट क्रिकेट खेलें। और दानिश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्पिनर्स के साथ आपको अगर स्मार्ट कैप्टन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आपने फील्ड पोजिशन को ऐसा लेना होता है जिसके ऊपर आपने सिंगलों को रोकना होता है, ऐसी पिचों के अगर आपने डॉट बॉल ज्यादा स्पिनर से करवाए तो आपके पास बहुत चांसेस होते हैं विकेट लेने के। फिर जी भाई, बड़ी विजडम है मुशी भाई की बातों में, क्योंकि अगर आप कंडीशंस के हिसाब से टीम पिक कर रहे हैं तो शायद आप अबू धाबी में, जैसे मुशी भाई कह रहे हैं, अबू धाबी में आप अलग स्पिनर खिलाएंगे, आप दुबई में अलग स्पिनर खिलाएंगे। आपको लगता है कि हम इतने फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ
टीम सिलेक्शन करते हैं एनसी भाई, क्योंकि एक तासर ये है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना बड़ा पसंद करते हैं। एक मैच अगर हम जीत जाते हैं तो हम चाहे वेन्यू चेंज भी हो जाए, हम दूसरे मैच में भी उसी टीम के साथ जाते हैं। कितना ज़रूरी होगा कि हम टीम कॉम्बिनेशन में भी फ्लेक्सिबल रहें, कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपनी टीम तब्दील करने के बारे में एटलीस्ट सोचें ज़रूर? नहीं बिल्कुल, ये आपको करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। टीम कम्बिनेशन से मुराद ये नहीं होती बिल्कुल भी कि जी आप बिल्कुल सारी चेंज ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई लड़का अच्छी फॉर्म में नहीं है, अगर उससे बॉल अच्छा नहीं हो रहा या उससे स्कोर नहीं हो रहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बेशक आप पिछला मैच जीते भी हैं तो आप इसी तरह ही आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मुश्ताक ने कहा है कि जी उस कंडीशन पे इमाद वसीम बेहतर हो सकता है और उधर नवाज बेहतर हो सकते हैं, तो ज़रूर अगर जहाँ भी हमें इस तरह किसी बैट्समैन की ज़रूरत है या किसी अगर फास्ट बॉलर की ज़रूरत है ज़रूर चेंज करना चाहिए। और देखिए अभी जिस टाइम हम कंडीशंस की बात कर रहे थे कि जी इंडिया आईपीएल वहाँ खेल रहा है या दूसरी टीमों का कोई एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल में हमारा तो होम ग्राउंड रहा है पिछले 10 साल से। जितना एक्सपीरियंस हम लोगों को है कि यहाँ की कंडीशंस की, यहाँ का ग्राउंड किस तरह का है, यहाँ हमें कौन सी टीम कम्बिनेशन खेलना चाहिए और यहाँ कौन सा प्लेयर इफेक्टिव होगा या इस पिच पे कौन सी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए, तो ये एक्सपीरियंस सारों से ज़्यादा हमारे पास है। और यही मैं कह रहा हूँ कि हमें और इस टूर्नामेंट में भी यह वाली चीज़ बड़ी अहम है कि जी हम अपने कम्बिनेशन को ज़रूर देखें। जिस तरह सिकंदर भाई ने भी कहा था कि कम्बिनेशन ज़रूर मैटर करेगा कि जी हम किस तरह का कम्बिनेशन से खेलते हैं ताकि हमारा टीम का बैलेंस बना रहे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ स्पिनर्स का रोल है ना, जो अभी जिस तरह हम 5 बॉलर्स के जी शादाब को देख रहे हैं, शादाब बहुत अहम हमारा प्लेयर्स है। जिस तरह अभी मुश्ताक कह रहा था कि जी अगर बीच में हमें वो 35 से 40 रन दे के 2 से 3 विकटें भी ले दे तो मेरे ख्याल में उसने अपना रोल बहुत ज़बरदस्त अदा किया है। और हफीज जो छठा बॉलर है, देखिए T20 में अगर आप सारी चीज़ें उठा के देखें ना तो एक से दो बॉलर्स को ज़रूर फेंटी पड़ती है कि जी उनके लिए 4 ओवर करने मुश्किल हो जाते हैं। तो छठा बॉलर जिस तरह हफीज़ है या मलिक है हमारे पास है, तो ये बहुत मेन है हमारे लिए, बहुत अहम रोल अदा होगा इनका इस टूर्नामेंट में। अगर पिछला मैच भी देखा जाए जो प्रैक्टिस मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो इन बॉलर्स ने 9 ओवर्स किए थे और 27 रन दिए थे इन बॉलर्स से। हफीज ने भी 3 ओवरों में मेरे ख्याल में 13 से 14 रन दिए थे, अहमद वसीम ने 2 ओवरों में 7 दिए थे। तो इनके स्पिनर्स के जो उनसे ओवर्स है ना, ये बड़े अहम है और ये हफीज और मलिक है ना बहुत अहम रोल अदा करेंगे। तो ये हमारे सारा जो सब डिपेंड करता है ना कि जी कंडीशंस, ये हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी यहाँ हम इसकी कंडीशंस को भी बेहतर जानते हैं। पिछले मेरे ख्याल में 2009 से लेकर आज 21-12 साल में मेरे ख्याल में इतने यूए के क्रिकेटर्स भी क्रिकेट नहीं खेले होंगे इतनी जितनी हम लोग जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह का हमारे पास कम्बिनेशन है, जिस तरह के हमारे प्लेयर्स हैं, जिस तरह की कंडीशन है, तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, एज फार एज स्पिनर्स कंसर्न, हम सिकंदर बाद की राय भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे कि कितने मैचेस में कितनी विकेट्स हैं, जो दो हमारे पहले ऑप्शंस हैं एज स्पिनर्स उनकी बात करेंगे सिकंदर बाद से। और ब्रेक के बाद हमें सोहेल तनवीर और मरीना इकबाल भी ज्वाइन करेंगे। बिफोर दैट, हमारे एक्सपर्ट्स की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। उसी तरह आपकी राय, आपके क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आप हमसे अपने सवाल शेयर कर सकते हैं, हम तक भेज सकते हैं। वील मेक श्योर कि हम इंजमाम, मुश्ताक, सिकंदर बाद, सोहेल तनवीर या फिर मैंने इकबाल तक आपका सवाल पहुंचाएं। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं किससे आपका सवाल है तो हम वो भी कर लेंगे, नहीं करना चाहते तो हम आपके सवाल अपने एक्सपर्ट तक पहुंचा देंगे। आस्क जियो के हैशटैग के साथ आप ट्विटर पर अपना सवाल ट्वीट कर सकते हैं एंड वील मेक श्योर वील टेक दैट ऑन बोर्ड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर एक्सपर्ट भी मैं ज्वाइन करेंगे और सिकंदर बख की राय भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। ब्रेक पर जाने से पहले हम स्पिनर्स के रोल को डिस्कस कर रहे थे, अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेटर और T20 क्रिकेट के सीजन प्रो सोहेल तनवीर। बट इससे पहले कि हम सोहेल तनवीर की तरफ बढ़ें, हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सिकंदर कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हम सिर्फ स्पिनर्स से नहीं, अब स्पिनर्स से हट के आगे निकल जाते हैं। अगर हम पेसर्स की भी बात करें, अपने पेसर्स की कॉम्बिनेशन की बात करें, शाहीन और हसन तो शायद अब मुस्तकिल आपको नजर आए वर्ल्ड T20 टीम में, प्रोवाइड दिस दे स्टे फिट, लेकिन हारिस रऊफ को आप शायद इन एंड आउट कर सकते हैं टीम से, और
उसकी जगह कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस होने बड़े ज़रूरी हैं। ये जो एक एस्पेक्ट है ना कि कोई भी एक प्लेयर अटूट अंग बन जाता है टीम में आकर, ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती। वही मुश्किल वाली बात कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने सबसे पहले कही थी कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरह आप खिलाते हैं। देखें ना, एक इंग्लैंड में मैच आ रहे हैं जिसमें हसनैन को खिलाया और एक ओवर भी नहीं कराया, तो दैट इज़ बैड। मतलब है कि दैट्स अ बैड चॉइस, बैड कॉम्बिनेशन, कि आपने एक फास्ट बॉलर को खिलाया हसनैन को और एक ओवर भी नहीं कराया, और पिच भी वहाँ पे करा सकते थे। असल में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होने हैं ना, वो इंडिया के मैच में नहीं हो सकता, ना वो न्यूजीलैंड के मैच में हो सकता है। जो होना है कि कल के जो मैच होगा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें आप उसको कर लें। जी जी। मगर मेरा एक बहुत फर्म बिलीव है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने दूसरे गेस्ट से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर पूछें कि करंट फॉर्म को क्या कहा जाता है। अभी हमने कल भी इसका जिक्र किया था, चेन्नई की टीम जो आईपीएल जीती है, उनके कोच ने बोला कि हमने पूरी चीज़ों को बहुत सिंपल रखा था, जिसकी करंट फॉर्म थी हम उसको खिलाते चले गए और हम जीत गए। तो आप ज़रूर अपने एक्सपर्ट से पूछें कि जी अगर करंट फॉर्म को माना जाता है कि नहीं माना जाता है, या मानना चाहिए, या हमको ये सोचना कहना चाहिए कि यार अगर वो चल गया तो हम जीत जाएंगे। क्या ये फॉर्मूला अच्छा है किसी अच्छी टीम के लिए? या ये सीनियर प्लेयर है और हम सीनियर्स पर मबनी टीम बनाएंगे, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। बट सुहेल, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर बात करें तो डज इट फिल यू विद कॉन्फिडेंस, खासतौर पर अगर हम अपने स्पिनर्स जो हमारे मेन स्पिनर्स हैं इस वक्त, शादाब खान और इमाद वसीम, एक की 52 मैचेस में 58 विकेटें हैं, एक की 52 मैचेस में 53 विकेटें हैं। अगर हम अपने पेसर्स की तरफ आ जाते हैं, हमने वार्म अप मैच में देखा शाहीन, हसन और हारिस रऊफ ने 4-4 ओवर्स कराए, क्या ये बेहतर नहीं होता, या ये नहीं होना चाहिए एटलीस्ट अगले वार्म अप मैच में कि हम थोड़ा सा और वसीम को भी और दहानी को भी पिक्चर में लेके आए, ताकि हमारे पास ऑप्शन तो हो। देखिए, पहले तो आप ऑब्वियसली जो आपने अपनी मेरे ख्याल में फर्स्ट 11 थी वही खिलाई कि आप ट्राई करना चाह रहे थे। अब दूसरे मैच में ऑब्वियसली आप मेरे ख्याल में वसीम, क्योंकि मेरे ख्याल में जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसका हिस्सा है, तो आपको उनको जरूर एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। धानी का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उनका तो रोल एज ए रिप्लेसमेंट है, तो वो अल्लाह ना करे अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह आ सकते हैं, तो उनको खिलाएं ना खिलाएं, बट वसीम को जरूर कल खिलाना चाहिए ताकि उसको भी एक गेम प्रैक्टिस मिल जाए। डेफिनेटली डिफरेंट पिचेस हैं दुबई की जहाँ पे उसने खेला, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्ल्ड कप वसीम ऑब्वियसली कफ्तर लड़के पहली दफा खेल रहे हैं वसीम इंक्लूडिंग, तो उनको एक वो फील आनी चाहिए वर्ल्ड कप के। बेशक एक वार्म अप मैच है, लेकिन फिर भी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड कप, तो आई गेस उसको एक दे शुड गिव हिम अ गो। आप शाहीन या हसन, जो कि आपने जैसे कहा कि दे शुड बी ऑटोमेटिक चॉइस इन ऑल गेम्स आई गेस, तो उनमें से किसी को आप रेस्ट करा सकते हैं और आप गिव हिम अ गो। एंड उसका भी रोल मैं देख रहा हूँ, अगर आप वसीम को देखें ना, तो उसका भी रोल सिमिलर लाइक हारिस है कि वो मिडिल ओवर्स में ओवर करता है, देन ही बोल्ड वेल इन डेथ ओवर्स, तो वो हारिस के साथ, क्योंकि आपके पास चार ही फास्ट बॉलर हैं, तो अल्लाह ना करे आई होप कि जो आपके मेन तीन बॉलर हैं वही दे शुड गो वेल, बट अगर इन केस इफ यू नीड एनी चेंज तो फिर वसीम ही आपके पास ऑप्शन है, तो आपको कल उसको ट्राई जरूर करना चाहिए। बेबहा आपने क्रिकेट खेली है यूए की कंडीशन में सुहेल, क्या बेहतरीन कॉम्बो होगा पाकिस्तान के लिए, 3-2, 4-1 क्या खिलाना चाहेंगे आप, या फिर आप तीन स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बात चल रही है कि जी यूएई कंडीशंस में तो स्पिनर्स का बोलबाला होगा। अब तक हमने काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्सेज देखे हैं, कहीं ना कहीं आपको सीमर्स भी बेहतरीन बॉल स्विंग करते हुए और विकेट लेते हुए नजर आए हैं। देखिए, जो तीनों वेन्यूज है ना, वो डिफरेंट आपको चीज़ें ऑफर करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट अबू धाबी, अभी हमने रिसेंटली वहाँ पे जो हमारा बीएसएल का सेकंड लेग थी वहाँ पे खेले, तो हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा, बट एवरीबॉडी एंडेड अप प्लेइंग फोर सीमर्स, और स्पिनर जो है उनका रोल बिल्कुल ही मिनिमाइज हो गया था बीच में, तो वहाँ पे तो आपको यू कैन थिंक अबाउट गोइंग विद 3 or maybe 4 पेसर्स, क्योंकि वहाँ पे कम होगा रोल स्पिनर्स का। बट इफ यू टॉक अबाउट शारजा, तो शारजा में मे भी आपको 30 स्पिनर्स खिलाने पड़ जाए, वहाँ पे के बॉल बड़ा लो रहता है, वहाँ पे ग्रिप भी करता है, दुबई भी सिमिलर है, वहाँ पे भी आपको स्पिनर्स का रोल ज्यादा नजर आएगा, तो ये वेरी करेगा, आपको कंडीशन को देख के अपना कम्बिनेशन बनाना होगा, ये नहीं कि बस आप एक्सेक्ट
पैटर्न लेके चलें और थ्रू आउट उसी को लेके आप पूरा वर्ल्ड कप खेलें। आई गेस आपको तीनों वेन्यूज पे मैचेस खेलने होंगे, तो पिच को देख के तो आपको अपना वो जो है बॉलिंग लाइनअप का बैलेंस बनाना होगा। ठीक है जी भाई, मेरे ख्याल से बैटिंग पे आ जाते हैं, बॉलिंग पर हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली। रिजवान और बाबर के ऊपर आने की वजह से काफ़ी एक हौसला सा मिला है हमें हमारी बैटिंग लाइनअप में। बहुत कम ऐसा होता है कि हम बॉलिंग पर ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं और बैटिंग पर कम कर रहे हो, लेकिन इन दोनों के ऊपर आने की वजह से एक हौसला है। बट फिर तीसरी चौथी पाँचवीं पोजीशन पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आती है। फ़खर जमान ने वार्म अप मैच में तीसरी पोजीशन पर खेलकर एक थोड़ा सा हमें और हौसला दिया कि हाँ जी पहली तीन पोजीशंस तो हम फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? ठीक है कि ये बाबर ने और रिजवान ने ना पिछले साल दो साल में जितने एज ए ओपनर जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। फ़खर बड़ा अच्छा है ये पाकिस्तान के लिए, जिस तरह फ़खर ने पिछले मैच में 24 बॉलों पे 46 रन किए हैं और जिस तरह वो खेल रहा था बड़ा अच्छा है, क्योंकि जी बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा था। अच्छा अभी जिस तरह ये सिकंदर भाई अभी करंट फॉर्म की बात कर रहे थे ना, ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि जिस टाइम आप किसी ये जाते हैं ना कंपटीशन में जाते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, उस टाइम मैं सिर्फ किसी एक प्लेयर की नहीं बात कर रहा, एज ए टीम भी एक फॉर्म होती है, क्योंकि जी सारे लड़के इन फॉर्म होते हैं, क्योंकि जी आप बॉलर्स भी आपके बड़े अच्छे रिदम में होते हैं, बैट्समैन भी पूरे टच में होते हैं, तो ये बड़ा मेजर फैक्टर है क्योंकि जी किसी भी टीम का जीतने के लिए। तो जिस तरह फ़खर को मैं देख रहा था कि जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह बॉल उसके बैट पे आ रहा था, बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा नीचे जो हमारा देखें, ये जितने भी ओपनर्स हैं ना, पहले जो उनसे तीन नंबर वाले हम जिसकी बैटिंग की बात करते हैं, ये हमेशा है ना बेस बनाते हैं, ये कभी भी फिनिशर नहीं रहे। फिनिशर है ना जो उनसे रहते हैं चार पाँच और छः के जो उनसे ना, ये बहुत अहम रोल है। और हफीज और मलिक है ना, इनका रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि जी इन दो ये सीनियर प्लेयर्स भी हैं और इन दोनों को एक प्लेयर्स को ना एंड तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आसिफ अली जो इन्होंने पहले कम्बिने अपना खिलाई थी टीम, तो उसमें आसिफ अली दोबारा ये है क्योंकि जी वो स्कोर तेज कर सकता है, हिटें मार सकता है, लेकिन फिनिशिंग करना उसके लिए मुश्किल है। तो हमारा ये प्लेयर्स को ना थोड़ी सी अपना रोल है ना ज़रा क्लियर होगा और अपने रोल के हिसाब से खेलना पड़ेगा, कि ये मलिक और हफीज का मिडिल ऑर्डर में रोल बहुत है। और अच्छा मैं एक चीज़ आपसे ये कहूँ कि बाबर ने और रिजवान ने स्कोर बहुत किया है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी याली प्रॉब्लम रही है, क्योंकि स्ट्राइक रेट है ना ऊपर से इन पिचेस पे आपको थोड़ा सा ना तेज खेलना पड़ेगा, 6 ओवर का बहुत एडवांटेज लेना पड़ेगा हमें। तो हमारी बैटिंग को यहाँ टॉप ऑर्डर पे ना बेशक हमारी 1 से 2 विकेटें गिरे, लेकिन हमें पहले 6 ओवरों में ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेना पड़ेगा, कि अगर वहाँ हम 60 से 70 रन करते हैं अच्छी टीम के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में हम उन पर प्रेशर डालने पे कामयाब होते हैं। नीचे लोअर ऑर्डर में हमारे पास है कि जी जो हमारी टेल की बैटिंग है, शहदाब अच्छा है, हसन अच्छा है, इमाद अच्छा है, तो प्याला कम्बिनेशन हमारा अच्छा है, लेकिन हमें ना शुरू से T20 में अभी तक अगर मैं पाकिस्तान की जिस चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि जी थोड़ी सी जो हमें ना वीक है कि हम पहले ओवर से बैटिंग में पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक है ना मुसलसल प्रेशर नहीं डाल सकते, बीच में एक पीरियड ऐसा आता है कि या शुरू में आ जाते हैं या बीच में 4 से 5 ओवरों का जहां हम अपना रिदम है ना हमारा टूट जाते, इस रिदम को है ना बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम प्लेयर्स के इन्फॉर्म होने की बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ सोहेल अगर हम आप पे आए, ये जो रेपुटेशन और फिर रिलायबिलिटी का एक 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 एक्सपेक्टेशंस का जो सिनेरियो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आसिफ अली की रेपुटेशन के बारे में जानते हैं कि वो एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, लेकिन फिर रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज वो दे नहीं पाए। हाँ माना के रेपुटेशन है, लेकिन उससे अच्छी फॉर्म फिर हैदर अली की नहीं लगी हुई, कि आप कुछ और सोच सकते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं? पहली बात तो हमें देखिए 6 नंबर का जो बैट्समैन होता है ना, अगर आप वाइड वाइड देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होते, आप जितने भी पावर हिटर उठा के देख लेंगे वो आपको हर मैच में रन करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट रोल है। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, बट बैट्समैन है वो समझ सकते हैं, एक बड़ा डिफिकल्ट रोल होता है कि आप जाते हैं और आपने जाते ही समटाइम 5 ओवर में 50 रन चाहिए होते हैं, 60 रन चाहिए होते हैं, और आपको पहले बॉल से हिट मारना होता है, ठीक है, दैट्स देयर जॉब। वो 5 में से भी अगर एक मैच आपको ऐसा जितवा देते हैं ना, तो मेरे ख्याल में उन्हें दे हैव डन देयर जॉब।
बट प्रॉब्लम वो आसिफ अली वाली बिल्कुल आ रही है कि रिसेंट जो उसको चांसेस मिले ही कुडंट डिलीवर. बट आप ये भी देखेंगे आपने जितने भी आपके डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर्स है ना जिस नंबर के हैं आपने सबको ट्राई किया और सबको ट्राई करने के बाद यू रियलाइज के यार के आसिफ अली मे बी इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि आपने बाकी प्लेयर्स को ट्राई नहीं किया. तो अभी जो सबको ट्राई करने के बाद यू एंडेड अप के यार आसिफ अली जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से बेस्ट है. आई विल रिपीट अगेन कि बड़ा मुश्किल जॉब होती है ये. जैसे डेथ बॉलिंग बड़ी मुश्किल होती है ना कि वहाँ पे आपने किसी ना किसी दिन दांतों के नीचे आना ही होता है, कुछ पढ़नी होती है. इसी तरह ये जो डेथ पे बैटिंग होती है ना ये भी बड़ी मुश्किल होती है कि आपने बगैर सेट हुए पहले बॉल से ही यू हैव टू अटैक. तो उसमें थोड़ा सा आपको मार्जिन देना होता है. ये मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जी रिलायबल नहीं है. मतलब ही हैज एबिलिटी बट वो उतने रिलायबल नहीं है. तो उसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देना होता है. बट ऑब्वियसली आसिफ अली ने उस तरह का डिलीवर अभी तक नहीं किया जितनी उनकी रेपुटेशन है और जितनी उनमें एबिलिटी है. मैं क्योंकि एक ही हम डोमेस्टिक टीम से खेलते हैं सीन है वो चाहे वन डेज हो चाहे टी ट्वेंटीज हों तो मुझे पता है उसमें कितनी एबिलिटी है. आई होप बिल्कुल सुहेल हमने भी आसिफ अली को जब जब रिदम में देखा है ना ही लुक्स रियली रियली गुड. बट वो जब जब वाली जो बात है ना उसके लिए हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ता है. हम चाहते हैं थोड़ा कम इंतजार करना पड़े हमें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा और फिर पाकिस्तान की पोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर छः नंबर पर आके आसिफ अली का बल्ला रन जो करना शुरू हो जाए. बट सुहेल तनवीर थैंक यू सो मच. हम आगे भी आपकी राय प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे. अलबत्ता मुशी भाई हम आपकी राय बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक ज़रूर चाहेंगे. जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे मुशी भाई भी राय शामिल करेंगे. सिकू भाई की भी राय शामिल करेंगे बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक और मरीना इकबाल को भी ऑन बोर्ड लेंगे. हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स हो वर्ल्ड टी ट्वेंटी स्पेशल. ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पर डिस्कशन कर रहे थे. इंजी भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मुशी भाई की तरफ बढ़ूंगा. मुशी भाई ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारा स्ट्राइक रेट ऊपर से थोड़ा सा स्लो हो जाता है. मीनवाइल हम आपकी तरफ आते हैं. इस दौरान हमें फॉर्मर क्रिकेटर टर्न कॉमेंटेटर मरीना इकबाल भी ज्वाइन कर चुके हैं. मरीना वेलकम टू वर्ड्स यू. मुशी भाई की जरा राय शामिल कर लूँ पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुशी भाई कि हमारा स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है रिजवान और बाबर जब ओपन करते हैं. इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या हफीज और शोएब मलिक दोनों की जगह बनती है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में? जी इंजी ने बड़ी बिल्कुल सही बात की है. पहले 6 ओवर इन कंडीशन के ऊपर आपको प्रॉपर यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं. अगर आप 50 रन के ऊपर बैठ जाते हैं आपका 50 रन अगर बना लेते हैं 45-50 रन उसके बाद ये गेम जो यूए की पिचेस है ना यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद मैथमेटिकली. आपको बहुत तेज़ होना पड़ेगा कि 6 ओवर ख़त्म होते ही 6 ओवर 7 ओवर जाना चाहिए ताकि आपके जो मिडिल ओवर्स हैं वो उनमें डॉट बॉल्स भी ना ज़्यादा हों और आपका स्कोर बोर्ड भी चलता रहे. तो जब आप 6 ओवरों से लेकर 13 ओवर तक जाते तो आप 100 के करीब पहुंच जाते हैं. फिर जो आखिरी 7 ओवर होते हैं विकेटें यहां पे हाथ में रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे आप आसिफ अली की बात कर रहे थे कि इस मेगा इवेंट के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज देखने वाली होती है ना दानिश टेम्परामेंट. क्योंकि कई दफ़ा कई लोगों में इतना टैलेंट नहीं होता मगर उनका टेम्परामेंट और उनका दिल बड़ा होता है कि वो जाके एक्सप्रेस कर देते हैं अपने टैलेंट को. तो आई थिंक ये पाकिस्तान की जो बैटिंग है जो हफीज़ और मैंने पहले भी जो अपना बात की थी कि डू यू थिंक सो वी हैव टू प्ले हफीज़ एंड शोएब मलिक इन नंबर 4 नंबर 5 वी हैव टू सी. आई थिंक बिकॉज दोनों का स्टाइल एक जैसा है दोनों दे टेक टाइम और इस मिडिल ओवर्स में यू नीड टू हैव वन गाय हु कैन ऑलवेज लुक फॉर बाउंड्रीज. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस बना के चले जाए. इसमें जैसे बॉलिंग का भी है दानिश इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग देखते हैं कि जी आखिरी 4 ओवर हैं तो यॉर्कर मारने ही मारने हैं. नो सम टाइम यू हैव टू यूटिलाइज द पिच क्योंकि पिच में वेयर टेयर इतना हो जाता है कि आपको ज्यादा यॉर्कर मारने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर आप यॉर्कर का एग्जीक्यूट नहीं सही करते तो वो आपको छक्का पड़ जाता है. आपने शहीन को वार्म अप मैच में देखा है ना वो ही वाज लुकिंग फॉर यॉर्कर्स ऑल द टाइम जो उसकी स्ट्रेंथ भी है मगर कई कंडीशन के ऊपर विकेटों के अंदर आपने जो बैटिंग की बात करें सेम टाइम बॉलिंग की भी है कि आपने पिच के अंदर बॉल करना है ताकि आप बॉल इनटू द पिच करेंगे तो आप बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है. तो आई थिंक जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का है आई टोटली एग्री विद इंजी कि ऊपर से हमें तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और मिडिल में आके स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. उसकी जाते हुए एक एग्जांपल दे दूं कि मैकमैलम था जो न्यूजीलैंड का कप्तान था जब वो लाहौर क्लिनर का कप्तान बना तो 6 ओवर में हर मैच में उनका 60-70 होता था मगर वो दे एंड अप गेटिंग 130-120 यू नो व्हाई. वो अपना मोमेंटम शिफ्ट नहीं करते थे अपना मोमेंटम चेंज नहीं करते थे.
न्यूजीलैंड की पिच के ऊपर, फ्लैट पिच के ऊपर आप एक मोमेंटम से खेल सकते हैं, मगर इन पिचों के ऊपर आपको मैथमेटिकली बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, पेस की वेरिएशन और इसके साथ साथ आपको अपनी लेंथ को सही रखना बहुत जरूरी है। मरीना, एक बार फिर हम बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को देखें तो रिजवान और बाबर ने तो फर्स्ट पोजिशन का मसला हल कर दिया है, फखर नंबर तीसरे पोजिशन पर ही आएंगे। उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर क्या देख रही हैं? बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरी है पाकिस्तान के लिए यहाँ पर, हमें स्कोरिंग बैट्समैन चाहिए। बिल्कुल, जैसे बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि बाबर और रिजवान ऑब्वियसली ओपन जो है वो स्लॉट पे तो हैं, लेकिन रिजवान का थोड़ा सा जो मैंने एनालाइज किया है वो स्लो विकेट्स पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। जहाँ अच्छी पेस आ रही होती है वहाँ पे बहुत अच्छा खेल लेते हैं। इवन अभी नेशनल टी20 में पिंडी में भी उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया था जहाँ पे बॉल फंस के आ रहा था। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके पास, दोनों के पास क्लियर माइंड हो, उसके बाद पावर प्ले की जैसे बात हो रही है यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि फखर, आई लाइक कि वो वन डाउन खेल रहे हैं, जितना भी अभी तक उन्होंने बैटिंग की है उनका बहुत क्लियर माइंड होता है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और वो बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो रोल डेफिनेशन अच्छा है। मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इस तरह की पिचेस पे एक वन डायरेक्शनल बैटिंग नहीं हो सकती, जैसे मुश्ताक भाई ने भी बोला है। आपको सेंसिबल होना पड़ेगा, अगर आपके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, आपको वो लेंथ नहीं मिल रही आपके स्ट्रेंथ एरियाज पे, तो फिर आपको सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन स्वीप शॉट ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो आपके पास होगा नहीं। तो उसमें आई फील के हफीज और मलिक, स्पेशली मलिक जिस तरह की फॉर्म में और जिस तरह की क्रूशियल इनिंग्स नेशनल टी20 में खेलता है, हमने देखा है कि जब एक्सलेट करना होता है तो विद कमांड होगा। आप दोनों को देख रही हैं? दोनों को देख रही है टीम में? बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, ये जरूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस और सेंसिबल बैटिंग चाहिए। बाकी जितने भी बात हो रही थी आसिफ अली की, सबसे पहली चीज की तो वो फॉर्म में नहीं, दूसरा अगर उनको चेंज करना पड़ता है मोड तो मैंने बहुत कम देखा है कि वो उस चीज में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इंजी भाई को भी हम पॉइंट भी लेना चाहेंगे। इंजी भाई, अगर हम टॉप फोर ये खिलाते हैं ना, ऊपर से रिजवान, बाबर और फिर मलिक और हफीज, और आपकी वाली बात भी मद्देनजर रखी जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा आसिफ अली पर, और फिर इमाद वसीम अगर टीम में होते हैं या फिर नवाज टीम में होते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन लेके आए हैं अपनी स्कोरिंग में। देखिए, हमारी बैटिंग का जिस तरह हम फ्लेक्सिबल होने की बात कर रहे थे, तो बैटिंग में सारों से ज़्यादा जिस चीज़ की फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो बैटिंग में पड़ती है। कि आपका नंबर चेंज कर दिया जाता है कि या बैटिंग ऑर्डर में आप लोगों को चेंज करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हैदर अली भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और फॉर्म में सर। मैंने जिस चीज़ की आपसे बात की थी कि जी हमने 20 ओवर में कहीं भी अपना रिदम नहीं टूटने देना, कि जो टीम भी अच्छा जीतती है वो एक रिदम से खेलती है और उससे टूटती है, तो हम देख रहे हैं। अच्छा, मुझे जो हफीज, मेरे ख्याल में पिछले 6-8 महीने से वो इस आउट ऑफ फॉर्म, हालांकि मेरे ख्याल में वो बेहतरीन प्लेयर था पाकिस्तान का टी20 का, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही काफी अरसे से, ये एक, लेकिन वो उसका बॉलिंग का एज है। तो ये जरा हमारे ना मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि जी अगर हम इसकी जगह हैदर अली को भी, जिस तरह हम सारे ये अली बात करते हैं कि जी हफीज और मलिक दोनों एक। बिल्कुल इंजी भाई, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है, आपकी बात सोलाना दुरुस्त है कि एटलीस्ट वार्म अप मैच में तो हम हैदर अली को और दीगर ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। अलबत्ता रोजाना हम यहाँ पर मौजूद होंगे मुख्तलिफ पैनल्स के साथ और इन इश्यूज पर डिस्कशन करते रहेंगे। इंजमाम उल हक का, मुश्ताक अहमद, सिकंदर बख्त, मरीना इकबाल, आप सबका बहुत शुक्रिया। विच इज़ द फर्स्ट डे, आगे आने वाले दिनों में हम इन्हीं इश्यूज़ पर और कई और इश्यूज़ पर बातें करते रहेंगे। स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।